बोलिए महाराज तो मैं बहुत छोटा से पोस करके इतना बड़ा किया, पर ये नागिन आज से मेरा बहन नहीं रहा। ये समझ लो जो आज से भाई बहन का रिश्ता इन्होंने तोड़ दिया और पढ़ाई के नाम पे कितना बड़ा कलंक कर दिया ये हरमजादी। ये तो सच है महाराज, अगर मैं कहीं जाता था तो सबसे आगे कुर्सी मिलता था वीर सिंह का, लेकिन अब मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये नागिन हमें कहीं का नहीं छोड़ा रे मंत्री। बोलिए महाराज क्या किया जाए। मैं इसे प्यार करता था और बचपन से इसको संभाल के रखा, इसने आज मेरे साथ वैसा ही धोखा किया है। आज देखेगा गांव वाले जो गलत करने का सजा ये वीर सिंह कैसे देता है। इस हरम जाति को यहीं पर मारते मारते खत्म कर दूंगा रे। मंत्री बोलिए महाराज, हरम जादा इसमें तुम्हारा तो कोई कसूर नहीं है। हमारा कोई कसूर नहीं है महाराज। अगर तुझे मैं भेजा था परती बरेला तो तू क्या कर रहा था रे? महाराज आपको बता दिया सही सही और दिखा भी दिया, अगर वैसा रहता तो मैं छोड़ के भाग जाता महाराज। यकीन नहीं है तो अपना बहन कसिया से पूछ लीजिए महाराज। ठीक है, आज इस हरम जाति को पता चलेगा जो वीर सिंह जितना प्यार करता है उतना चालाक भी है रे। हरमजादी को अभी तक आंख नहीं खुल रहा है, कैसे चुंबक के तरह सटा हुआ है। थोड़ा सा भी इसको अपना भैया को शर्म नहीं आ रहा है। अब कैसा बादल गरज रहा है आसमान में? पता नहीं दोस्त जी। कहीं
ये तुम्हारा भाई वीर सिंह तो नहीं आ गया है? लग रहा है दोस्त जी कि मंत्री जाके बता दिया भैया को, दोस्त जी उसी का आवाज लग रहा है दोस्त जी। दोस्त याद करो पिछला बात जो मैंने बार बार रोक रहा था जो ये दोस्त